हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता चल गया होगा कि बिहार बेल्ट्रॉन की तरफ से एक नया नोटिस जारी किया गया है, जिसमें बिहार बेल्ट्रॉन के डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, उन सभी को अवकाश उपभोग की स्वीकृति, यानी कि जो छुट्टी लेने का जो है उसका स्वीकृति जो है जनवरी 2024 से लागू हो गया है। लेकिन इस नोटिस में कुछ मिसिंग चीज़ हुई है, और वो मिसिंग चीज़ के कारण ही काफ़ी लोगों को कन्फ्यूज़न ये है कि क्या इतना ही छुट्टी मिलेगा या फिर इससे और भी ज़्यादा छुट्टी हम लोगों को मिलेगा। यानी कि जो भी बेल्ट्रॉन के आईटी गर्ल हैं, स्टेनोग्राफर हैं, प्रोग्रामर हैं, उन लोगों को। ठीक, चलिए सबसे पहले इस नोटिस के बारे में जान लेते हैं, उसके बाद आपको बताएंगे कि इसके अलावा भी छुट्टी मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा तो वो कौन सा छुट्टी होगा, सारा कुछ इसमें हम लोग बात करते हैं। चलिए इसमें सबसे पहले देखते हैं अर्जित अवकाश। ये 16 दिन है जो कि पहले से लागू है, तो ये कोई दिक्कत नहीं, पहले भी 16 दिन था तो वो 16 दिन है, लेकिन सेवा के दूसरे वर्ष से ये लागू होगा। और अधिकतम 60 दिन तक आप अवकाश को संचित कर सकते हैं। सेवा समाप्ति के बाद कोई भी वित्तीय लाभ देय नहीं होगा, यानी कि अगर अर्जित अवकाश आपका खत्म नहीं होता है, मान लिया जाए कि आपने जो है कि 16 छुट्टी होता है साल में, तो आपने 14 छुट्टी लिया या फिर 12 छुट्टी लिया, तो यहाँ पे अगर आपका 4 छुट्टी पर जाता है तो वो 4 छुट्टी का पैसा आपको नहीं मिलेगा। कहने का मतलब ये है कि अगर आप अर्जित अवकाश को पूरा का पूरा उपयोग कर लेते हैं या फिर नहीं करते हैं, तो उससे कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला किसी को। कीजिएगा तो भी पैसा मिलेगा ही, और अगर आप छुट्टी बचा लेते हैं और आप सोचते हैं कि हम जो छुट्टी बचा लिए हैं तो उसका हमको पेमेंट मिलना चाहिए, तो वो ऐसा नहीं होगा। अगर इससे संबंधित आपको कोई दिक्कत है, कोई डाउट है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। नेक्स्ट है पितृत्व अवकाश। 15 दिन तक 2 बच्चों तक मिलेगा छुट्टी। अगर आप पिता बनते हैं तो आपको 2 बच्चों तक आपको हर बार दोनों बार 15 दिन का छुट्टी मिलेगा। अवैतनिक अवकाश क्या है? अवैतनिक अवकाश आपको 30 दिन का मिलेगा, यानी कि नो वर्क नो पेमेंट, यानी कि आप काम नहीं करेंगे तो आपको पेमेंट नहीं मिलेगा। ये 30 दिन तक अगर आप छुट्टी लेते हैं और आप चाहते हैं कि हम नो वर्क नो पेमेंट पर काम कर रहे हैं, तो भी वे आपको उपलब्ध हो जाएगा। चिकित्सा अवकाश। अब अस्पताल में अगर कोई भर्ती होते हैं, भगवान ना करे ऐसा किन्हीं के साथ हो तो प्रॉब्लम, तो अगर अस्पताल में वो भर्ती होते हैं तब उनको 1 साल में 15 दिन का पेमेंट मिलेगा, लेकिन वो आधा वेतन मिलेगा, अर्ध वेतन के साथ, यानी कि आपको पेमेंट आधा मिलेगा। अस्पताल में भर्ती होने से मतलब ये है कि उनको अगर कोई बीमार पड़ जाते हैं, कुछ हो जाता है, तब उनको ये चिकित्सा अवकाश का लाभ मिलेगा। और यहाँ पे कुछ खास का बातें तो नहीं है, बट थोड़ा सा आपको पढ़ के बता देते हैं। अच्छा, एक बात और आपको बताना है, ये बात ये जानना जरूरी है कि ये जो जैसे अगर ये अवैतनिक अवकाश 30 दिन का है, ये चिकित्सा अवकाश 15 दिन का है, अर्जित अवकाश 16 दिन का है, तो अगर आप अर्जित अवकाश चाहेंगे कि 16 दिन एक ही बार में हम ले लें लगातार 16 दिन, तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, थोड़ा थोड़ा एक ही बार में नहीं दिया जा सकता है। लेकिन अगर आपके नोडल पदाधिकारी चाहेंगे तो वो दे सकते हैं, वो उनकी मर्जी पे है। लेकिन पितृत्व अवकाश जो है वो लगातार आप 15 दिन तक ले सकते हैं, चिकित्सा अवकाश है वो लगातार आप 15 दिन ले सकते हैं। चलिए अब यहाँ पे और कुछ खास बातें वैसी नहीं है, आप लोग इसको चाहेंगे तो पढ़ सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। अब आते हैं मेन पॉइंट पे, ये जो आपको बता रहे थे कि इसमें क्या चीज़ नहीं लिखा हुआ है, तो ये देखिए इतना छुट्टी तो हो गया मिला, लेकिन इसके अलावे में भी बेल्ट्रॉन के जो भी ऑपरेटर हैं, डाटा एंट्री ऑपरेटर, आईटी बॉय, आईटी गर्ल, प्रोग्रामर, सबको एक छुट्टी जो है और मिलेगा। ये जो है अर्जित अवकाश का छुट्टी, ये देखिए, सॉरी अर्जित अवकाश नहीं, प्रतिबंधित या फिर ऐच्छिक अवकाश, इसके बारे में हम पहले भी वीडियो बना चुके हैं ये वाला, तो आप लोग इस वीडियो को देख लीजिएगा कि प्रतिबंधित अवकाश क्या होता है और ये कितने दिनों का होता है। फिर भी एक शॉर्ट वीडियो शॉर्ट में हम बता देते हैं कि जो प्रतिबंधित अवकाश है ये कुल 3 दिनों का होता है, और ये छुट्टी भी बेल्ट्रॉन के कर्मी को यहाँ पे उपलब्ध है। यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि बेल्ट्रॉन के द्वारा आउटसोर्सिंग बाय स्रोत के माध्यम से जो भी ऑपरेटर हैं, जो भी आईटी बॉय हैं, आईटी गर्ल हैं, 1 वर्ष में 3 प्रतिबंधित अवकाश ले सकते हैं। अगर आपको पता नहीं है कि प्रतिबंधित अवकाश क्या होता है, तो सारा डिटेल वीडियो हम बना दिए हैं, जिसका कि हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल देंगे वीडियो का, वो आप लोग देख लीजिएगा, आपको समझ में चला आएगा, जिनको नहीं पता होगा। तो यहाँ पे यही एक सूचना आपको देना था।
और ये सारा छुट्टी जो है आपके कार्यालय के जो हेड होंगे उनके द्वारा ही दिया जाएगा। एक बात का और ध्यान रखना आप लोगों को, जो कर्मी बिना किसी सूचना के 15 दिन या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित पाए जाएंगे उनका पद को रिक्त घोषित किया जाएगा। तो इसलिए अगर आप लोग कभी किन्हीं को जरूरत पड़ता है किसी काम का, तो आप लोग अपने ऑफिस में सूचना दे दीजिएगा कि हाँ हमें काम है, या फिर कुछ ना कुछ अपना अप्लीकेशन दे दीजिएगा जिससे कि सूचना दिया रहे, और उसका एक रिसीविंग अपने पास जरूर रखना है। जो भी आप लोग अप्लीकेशन देते हैं उसका एक रिसीविंग आपके पास होना चाहिए, वो आपके सुरक्षा के लिए है। अगर रिसीविंग नहीं मिल पाता है तो उसका फोटो कॉपी रख लीजिए, जैसे कि अगर जो मैडम या फिर आपके जो सर हुए वो अगर आप छुट्टी लेते हैं तो उस पर जो सिग्नेचर करते हैं तो उसका एक कॉपी अपने पास अपने पर्सनल रख लीजिए, और एक ऑफिस जो एक जो कॉपी जो है वो ऑफिस में जमा रहेगा। इससे क्या होगा, भविष्य में आपके कोई भी परेशानी नहीं होगा। अगर आप लोग मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो आपको बता दें कि हम बेल्ट्रॉन से जुड़ा हुआ हर एक चीज़ बताते रहते हैं आप लोगों को, अच्छी अच्छी बातें जो आपके हित में हो। तो अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और मेरे चैनल पे जो वीडियो पुराने हैं बेल्ट्रॉन से जुड़े हुए चीज़ उस उनको अगर आपको देखना हो तो देख सकते हैं, उससे आपको जानकारियाँ मिलेंगी। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नई अपडेट के साथ, कुछ अच्छी जानकारी के साथ।